सो गाइस, आज है हमारे पास आईफोन XR और साथ में है वन प्लस 8 प्रो। और आज हम करने जा रहे हैं इन दोनों फोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। आईफोन XR के अंदर हमें देखने मिलता है 8 बायोनिक चिप, 3 GB रैम इसके अंदर लगकर आता है। और वन प्लस 8 प्रो के अंदर हमें देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 865 और जो वेरिएंट मेरे पास है इसके अंदर 8 GB रैम की स्टोरेज हमें देखने मिलती है। सो यहाँ पर हम करेंगे दोनों फोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। सो यहाँ पर हम सबसे पहले जो कंपैरिजन करेंगे रिबूट को लेकर, तो इसके अंदर लाइक आईफोन के अंदर तो कोई ये नहीं आता है, रिबूट वाला ऑप्शन तो नहीं आता। हम पावर ऑन ऑफ कर देंगे दोनों को और उसके बाद में एक एक करके स्टार्ट करेंगे, मतलब एक साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे दोनों फ़ोन में से किसका फ़ोन फास्टर देखने मिलता है फॉर फर्स्ट बूट के लिए। सो यहाँ पर टर्न ऑफ हो चुके हैं, नाउ यहाँ पर हम इसे एक साथ टर्न ऑन करेंगे। सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एंड यहाँ पर बूट स्क्रीन आ चुकी है। सो लेट्स सी यहाँ पर आईफोन XR सबसे पहले बूट होता है या फिर वन प्लस 8। स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर हमें देखने मिलता है और 812 बायोनिक चिप। अब लेट्स सी किस तरीके से क्या क्या परफॉर्मेंस निकल कर आती है वो चेकआउट करेंगे। और आईफोन XR के और भी स्पीड टेस्ट मैंने बनाया है, आई बटन मिल जाएंगे और ये भाई साहब चालू हो गए हैं। और उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद में वन प्लस 8 प्रो भी आ चुका है। एंटीटू बेंचमार्क पर आपको वन प्लस 8 प्रो के अंदर 5,75,000 का स्कोर देखने मिल जाता है और वहीं आईफोन XR के अंदर 4,39,000 का स्कोर देखने मिलता है। और उसी के बाद में गीक बेंच 5 पर कुछ आपको इस तरीके से स्कोर देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो विन करता है सिंगल कोर पर वो है आईफोन XR और उसी के बाद में मल्टी कोर पर जो विन करता है वो है वन प्लस 8 प्रो। सो यहाँ पर आपने अभी तक ये जो टेस्ट देख लिया है, सो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम रैम मैनेजमेंट पूरा क्लीन कर देंगे, लाइक बैकग्राउंड में सारी एप्लीकेशन रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर एक एक करके करना पड़ता है भाई साहब। और यहाँ पर तो बैकग्राउंड में देख सकते हो कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। और उसी के बाद में सेम वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ, यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे एवेंजर 5 और सेम यहाँ पर भी एवेंजर 5 देखने मिलता है। 5 GHz पर हम यहाँ पर कनेक्टेड है दोनों फोन के अंदर। और बैकग्राउंड में एक बार जो भी एप्लीकेशन है फिर से एक बार चेक करके रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर से भी क्लीन हो चुका है। सो यहाँ पर अभी हम एक एक करके ऐप ओपन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ओपन होता है, ओपनिंग स्पीड किस में फास्टर देखने मिलती है। उसके बाद में रैम मैनेजमेंट भी चेकआउट करेंगे और साथ में यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग का भी टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्विटर से। सो यहाँ से सारी एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आता है ट्विटर। सो 3, 2, 1 क्लिक एंड यहाँ पर वन प्लस 8 प्रो के अंदर ओपन हो चुका है और फीड भी लोड हो चुकी है अभी। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक पोस्ट ऐसे ओपन करके छोड़ देंगे यहाँ पर और अभी आ जाएंगे बाहर। और नेक्स्ट एप्लीकेशन इंस्टाग्राम एक साथ हमने ओपन किया है, 8 प्रो के अंदर ओपन हो चुका आई थिंक सो। नहीं, रुको, और अब जाके ये टोटली जाके ओपन हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोफाइल में चले जाएंगे और यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट वीडियो जो भी होगा उसे हम ऐसे ओपन करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपन करके छोड़ दिया और बाहर आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है फेसबुक, कहाँ पर लोड हुआ है प्रॉपर। तो यहाँ पर फाइनली प्रॉपर पूरा लोड हो चुका है। सो ये भाई साहब सबसे पहले जाके खुलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वीडियो या पोस्ट जो भी होगा उसे हम लाइक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यही, चलो ये वाला ऐसे ओपन करके छोड़ देते हैं एंड बाहर आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो है फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पर प्रॉपरली एकदम लोड होके आ चुका है 8 प्रो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे फास्टर तरीके से खुलता है और हम क्या करेंगे, इस पोस्ट के अंदर चले जाएंगे, इनके पेजेस के अंदर चले जाएंगे। और एक्चुअली ये वाला नहीं था, ये वाला था। और यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में बाहर आ जाएंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो है यहाँ पर गूगल क्रोम। एक साथ हमने क्लिक किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों में सेम स्पीड ही कहूंगा, आप लोग बताना बाकी। सो यहां पर हम क्या करेंगे, एक वॉइस सर्च करेंगे दोनों के अंदर, BMW इंडिया एंड यहां पर फास्टर ये हुआ आईफोन XR। सो यहां पर इस वेबसाइट को एक साथ क्लिक करके अंदर जाएंगे और लेट्स सी कौन सा ओपन होता है। तो यहां पर आईफोन XR काफी फास्टर तरीके से हुआ और यहां पर वन प्लस 8 प्रो के अंदर हमें जो रिफ्रेश रेट है वो 90 देखने मिलता है और यहां पर 60 आता है। तो बहुत ज्यादा फर्क है रियल लाइफ में अंदर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक सेम पोस्ट के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर। सो ये जो कार है BMW X4, इसे हम एक साथ ओपन करेंगे और अंदर जाएंगे और देखते हैं कौन सा पेज सबसे पहले कंटेंट लोड करता है। तो यहाँ पर आप लोग बताना आपके हिसाब से कौन सी फास्टर आई। तो यहाँ पर हम एक बाय नाउ कर लेते हैं बाहर आ जाते हैं और नेक्स्ट हम ओपन करेंगे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो है यूट्यूब। सो 3, 2, 1 एंड यूट्यूब एंड यहाँ पर वन प्लस 8 प्रो ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी एक वीडियो हम ओपन करके छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वीडियो और यहाँ पर हम ये वाला वीडियो ओपन करके छोड़ देंगे। अबे कैसे
50% पर एंड अरे भाई सरकना नहीं, ऐसे सरकता आईफोन तो ऐसे सरक गया और यहाँ 50% पर आ चुके हैं दोनों वीडियो पे मतलब लाइक और बाहर आ जाएंगे। सो नाउ अगली एप्लीकेशन है जो है गाना। मुझे एक्चुअली नहीं समझा कौन सा फास्टर था, आप लोग बताना। हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में ये जो एक प्लेलिस्ट होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाली प्लेलिस्ट और यहाँ पर भी कोई एक प्लेलिस्ट थी, किधर गई ये रही, चलो इसे क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद बाहर आ जाएंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो है यहाँ पर क्वोरा, और यहाँ पर देखते हैं कौन से वेबसाइट कौन सा कॉन्टेंट सबसे पहले लोड करेगा। तो यहाँ पर ये लोड हो चुका है। सो आईफोन टेनर यहाँ पर विन करता है और यहाँ पर अंदर हम चले जाएंगे एक एक आर्टिकल्स के अंदर और हम ऐसे करके छोड़ देंगे और बाहर आ जाएंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट जो गेम है यहाँ पर वो है सबवे सफर। एक साथ हमने क्लिक किया था और यहाँ पर गेम मोड देखने मिल जाता है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आता और यहाँ पर ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर हम बाहर आएंगे और यहाँ पर भी ऑन हो चुका है और बाहर आ जाएंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो गेम है बेसिकली यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी। एक साथ हमने ओपन किया था और देख सकते हैं किस तरीके से कौन सा एप्लीकेशन ओपन हुआ। सो यहाँ पर देखते हैं कौन भाई साहब पहले लोड करके देता है, लॉगिन की स्क्रीन पहले निकाल के देता है। सो यहाँ पर आईफोन XR ने कर दिया और यहाँ पर इसे टाइम लगेगा और स्टिल अब जाके आया है तो आईफोन XR करके बाहर भी आ चुका है। सो गाइस यहाँ पर बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, लाइट वगैरह सब चली गई थी तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, पर बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सभी हमने वहाँ पर वही रखी है, सेम एज इट इज़ करके रखा हुआ है, कुछ ऊपर नीचे नहीं किया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो है यहाँ पर कैमरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा पे स्विच करेंगे OnePlus 8 Pro और एक बार और ट्राई करेंगे। OnePlus 8 Pro बहुत जल्दी आता है, सॉरी एक बार और ट्राई करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर बेसिकली पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट करके रखा हुआ था। सो 3-2-1 स्विच, ऑलमोस्ट सेम टाइप, एक बार और, यस यहाँ पर OnePlus 8 Pro थोड़ा सा फास्टर देखने मिला और यहाँ पर हम एक आधी सेल्फी लेंगे और लेने के बाद हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम ओपन करेंगे स्नैपसीड। सो यहाँ पर स्नैपसीड के अंदर एक आपको फिल्टर देखने मिलता है मॉर्निंग का, तो उसे मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मैं थोड़ा सा पीला पीला हो गया हूँ, उस बात को इग्नोर कर देना बस। पर यहाँ पर हम एक साथ एक्सपोर्ट करेंगे दोनों फोटोज़ पे और देखते हैं किसके अंदर सबसे पहले एक्सपोर्ट होती है। 3-2-1 क्लिक और यहाँ पर आईफोन XR एक्सपोर्ट होके ख़त्म भी हो चुका है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे टूल वाला ऑप्शन पे लाइक क्लिक करके और यहाँ पर कुछ तो ऐसे ये लगा के बाहर आ जाएंगे। और अभी हम जाएंगे वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बेसिकली यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग का स्पीड टेस्ट था उसके अंदर एंड में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा अभी वीडियो रेंडरिंग का टेस्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वीडियो है मेरे पास है जो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है और इसके अंदर क्या था, बेसिकली यहाँ पर ये जो वीडियो था इसे मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया, 50% स्लो कर दिया, जैसे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी वजह से अभी होगा क्या, यहाँ पर जो ये वीडियो एक मिनट कुछ सौ सेकंड का था जिसकी वजह से यहाँ पर इसे मैंने स्लो डाउन कर दिया 50%, तो अब ये वीडियो अराउंड 2 मिनट 19 सेकंड का कुछ तो हो गया है टोटल, दोनों में आप देख सकते हो। अरे भाई चल ले, हाँ तो अब जाके यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो कि 2 मिनट 19 सेकंड का यहाँ पर हो गया है। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ क्लॉक एंड स्टॉप वॉच। सो आईफोन के अंदर मैं 720 30 FPS के अंदर करता हूँ तो 7 Mbps लेता है और फाइल साइज 124 Mbps होते हैं, बट OnePlus 8 Pro के अंदर आप यहाँ पर इसे 13 Mbps तक ये कर सकते हो, बिट रेट लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैच करने की कोशिश करूँगा, 124 Mbps लगा दूंगा। सो यस सेम मैंने यहाँ पर लगा दिया, 7.15 Mbps कुछ देखने मिलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा है लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करूँगा रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। सो 3-2-1 एंड एक्सपोर्ट एंड टाइमर स्टार्ट। अब लेट्स सी यहाँ पर कौन फास्टर निकल कर आता है। तो यहाँ पर 8-well बायोनिक चिप फास्टर निकल कर आती है या फिर OnePlus में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। सो भाई यहाँ पर 865 काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से भाग रहा है, डन, यहाँ पर डन हो चुका है, यहाँ पर भी डन हो गया है। ऑलमोस्ट 3 सेकंड के बाद में यहाँ पर रेंडर कंप्लीट हुआ 8-well बायोनिक चिप के अंदर। सो अभी हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, भाई बाहर आ। अभी यहाँ पर हमारा सारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, बैकग्राउंड में इतनी सारी एप्लीकेशन ओपन हो गई थी जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे कि 3GB और 8GB किस तरीके से काम करते हैं दोनों फ़ोन के अंदर, लाइक iOS और एंड्रॉयड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर रैंडमली हम ओपन करेंगे इंस्टाग्राम। सो ये क्लियर हो चुका है और ये भी क्लियर हो चुका है, बाहर आ गया है, आई डोंट नो वाई, जितने देर मैंने यहाँ पर इसे रखा था तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बीच में बताया कि लाइट चली गई थी तो मैंने फ़ोन को ऐसे ही रख के छोड़ दिया था, सो उसके अंदर पीछे क्या हुआ वो फ़ोन ही जाने। नेक्स्ट है ट्विटर,
कूल भाई, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, हमने यहाँ पर आई थिंक सो ये फोटो रखी थी, पर यहाँ पर ये फोटो बैकग्राउंड में देखने मिलती है, बट यहाँ पर ये क्लियर हो गई। नाउ फेसबुक, यस दोनों पोस्ट हमें बैकग्राउंड में देखने मिलते हैं। एंड अगला है फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पर ये पेज था लैपटॉप का, करेक्ट है, ये क्लियर वेयर कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ा सा रेंडर होके आया, मतलब लोड होके आया, बाकी हमें देखने मिल रहा है। अमेजोन, यहाँ पर क्लियर हो चुका है और इवन यहाँ पर भी क्लियर हो चुका है, दोनों में क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है गूगल क्रोम, यस दोनों बैकग्राउंड में देखने मिलता है। अगला है यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो चुका है, हम जाएंगे यूट्यूब की तरफ और यहाँ पर सेम देखने मिलता है, यहाँ पर भी सेम देखने मिलता है, दोनों ही बैकग्राउंड में है। गाना, गाना में ये प्लेज रखी थी हमने और पता नहीं ये पॉपअप साइनअप का है, बट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। उसी के बाद में यहाँ पर है क्वोरा, क्वोरा में हमने ये रखा था ओपन करके और बीच में मेरे पास गलती से क्लिक होके वापस ये ओपन हो गया, पर ये पेज कंटेंट को लोड कर रहा है और लेट्स सी ये पूरा नया लोड करता है या फिर जो लास्ट आर्टिकल हमने खोल के रखा था उसके अंदर ही आता है। यस उसी आर्टिकल के अंदर आया बट लोड हो गया है। उसी के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे सबवे सफ़र और दोनों के अंदर हमें गेम बैकग्राउंड में देखने मिलता है। अगला जो एप्लीकेशन है वो है COD, यहाँ पर बैकग्राउंड में है और यहाँ पर भी है बट थोड़ा सा लेट होकर आता है और यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई लेकिन। सो यहाँ पर हम बाहर आ जाएंगे और अभी हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे कैमरा को। यहाँ पर हमने फ्रंट कैमरा रखा था बट यहाँ पर भी फ्रंट रखा था बट ये क्लियर हो चुका है OnePlus 8 Pro के अंदर। नाउ स्नैपसीड और इसके अंदर यस ये एक पोर्शन हमने रखा था, ये हेड वाला ये मिलता है बट यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है, पीछे आ गया बेसिकली। नाउ काइनमास्टर और काइनमास्टर में यही स्क्रीन थी बट यहाँ पर थोड़ी सी क्लिक करने के बाद बहुत देर बाद में आया है और यही एक्सपोर्ट की सीन पे हमने रखा हुआ था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके का रैम मैनेजमेंट आपको देखने मिला। सो नाउ हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में सारी एप्लीकेशन को रहने देंगे और एक साथ दोनों फ़ोन को सबसे पहले तो हम पावर ऑफ कर देते हैं। सो पावर ऑफ कर लिया है तो बेसिकली जब ये पावर ऑफ हो जाएंगे एक साथ हम दोनों को रिबूट करेंगे अभी, और ऑफ हो चुके हैं दोनों फ़ोन, तो यहाँ पर iOS के अंदर दो बटन को आपको दबाना पड़ेगा और यहाँ पर एक में काम हो जाएगा। तो ये आ चुका है दोनों फोन के अंदर बूटिंग स्क्रीन। सो होप सो गाइज यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा, OnePlus 8 Pro वर्सेस iPhone XR स्पीड टेस्ट, तो मुझे बताना कमेंट सेशन में कि आपको कैसा लगा और कौन सा फ़ोन आपके मुताबिक बहुत ही ज़्यादा हार्ड निकला। तो यहाँ पर iPhone XR की स्क्रीन आ चुकी है और उसके थोड़े ही देर बाद में OnePlus 8 Pro की भी स्क्रीन आ चुकी है। सो गाइज यहाँ पर कैसा लगा आपको iPhone XR वर्सेस OnePlus 8 Pro का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन? 812 बायोनिक चिप वर्सेस Snapdragon 865 हमें यहाँ पर देखने मिला और कौन सा बेटर था आपके मुताबिक मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। बाकी गाइज यहाँ पर जो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो का जो लाइक का टारगेट उसे भी कंप्लीट कर देना। बाकी मैं मिलता रहूँगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। सो दोस्तों आज की इस तक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।